Good to see you guys. This is second lecture of history chapter print culture and the modern world. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, जिसमें हम बात करेंगे कि बुक्स की प्रिंटिंग एक्चुअली कहां से स्टार्ट हुई और वो जापान तक कैसे पहुंची। तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गाइस, बुक्स की प्रिंटिंग सबसे पहले चाइना से स्टार्ट हुई थी। उस टाइम चाइना में हैंड प्रिंटिंग सिस्टम यानी कि हाथों से बुक लिखी जाती थी। 594th ईयर में वहां पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि वुड लेटर्स होते थे, उन पर इंक अप्लाई की जाती थी और पेपर को रब किया जाता था, जिसकी वजह से जो लेटर्स थे वो पेपर पर प्रिंट होते थे और बुक्स को ऐसे ही प्रिंट किया जाता था। अगर हम पेपर की बात करें तो उस टाइम पेपर की जो क्वालिटी है वो काफी थिन होती थी और पोरस होती थी, मतलब कि उसमें कुछ छोटे छोटे होल्स होते थे, जिसकी वजह से हम पेपर पर दोनों साइड प्रिंटिंग नहीं कर सकते थे। और यही रीजन था कि उस टाइम एकॉर्डियन बुक को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब कि उसके अंदर पेपर्स को फोल्ड किया जाता था और साइड से उनको स्टिच किया जाता था, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। टीचर, उस टाइम किस टाइप की बुक्स प्रिंट की जाती थी और उन्हें कौन पढ़ता था? गाइस, चाइना में उस टाइम ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हुआ करता था। सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के थ्रू लोगों को एम्प्लॉय किया जाता था। इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बुक्स को उस टाइम प्रिंट किया जाता था। जैसे जैसे इस एग्जाम में कैंडिडेट्स टू अपीयर होते थे वो इंक्रीज होते रहे, वैसे वैसे बुक्स की प्रिंटिंग भी बहुत ज्यादा स्केल तक इंक्रीज होती रही। सर, तो फिर सिर्फ स्टूडेंट्स ही बुक्स पढ़ते थे? नहीं गाइस, 17th सेंचुरी तक रीडिंग एक लीजर एक्टिविटी बनने लगा था। अब ट्रेड इंफॉर्मेशन के लिए जो मर्चेंट्स थे वो भी बुक पढ़ने लगे थे। फिक्शनल स्टोरीज, प्लेज, पोइट्री और ऑटोबायोग्राफीज, ऐसी बहुत सारी चीजें अब लिखी जाने लगी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे ये लीजर एक्टिविटी बहुत सारे लोग करने लगे, तब जितनी भी रिच वुमेन थी उन्होंने अपनी खुद की बुक्स पब्लिश करवाना भी शुरू कर दिया और रीडिंग एक सबकी हैबिट बनने लगी। फ्रेंड्स, जैसे जैसे वेस्टर्न नेशंस में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही थी, वहां पर मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। फिर चाइना में मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रोसेस को इंपोर्ट कराया गया और शंघाई न्यू प्रिंट कल्चर का हब बन गया। टीचर, जापान में प्रिंट कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? फ्रेंड्स, बुद्धिस्ट मिशनरीज जिन्होंने चाइना से जापान तक ट्रेवल किया, उन्होंने जापान में प्रिंट कल्चर को इंट्रोड्यूस किया था। जापान में प्रिंट कल्चर को बहुत वाइडली एक्सेप्ट किया गया और डायमंड सूत्रा वो पहली बुक बनी जो जापान में प्रिंट की गई थी। जापान की लाइब्रेरीज धीरे धीरे अब बुक से भरने लगी थी। अब बात आती है कि वो कौन से टॉपिक्स थे जिनको जापानीज ने लाइक किया। वो थे कुकिंग, ट्रैवलिंग, म्यूजिक एंड वुमेन। इन टॉपिक्स पर बहुत सारी बुक लिखी गई और ऐसे ही देखते ही देखते प्रिंट कल्चर पूरे वर्ल्ड में अब फैलने लगा था। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये प्रिंट कल्चर यूरोप में कैसे इंट्रोड्यूस किया गया और मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम यूरोप में कैसे इन्वेंट हुआ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीयू स्टैक। टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर जस्ट क्लिक हियर। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट।